जय भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको सावन का पहला सोमवार व्रत की आसान पूजा विधि बताऊंगी, जिस पूजा से भगवान शंकर प्रसन्न होकर आपको मनचाहा वर प्रदान करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में मान्यताएं हैं कि कण कण में और हर जगह ईश्वर विराजमान है, तो क्यों ना हम घर में ही आसान तरीके से अपने शिव शंकर की पूजा कर उनकी कृपा प्राप्त करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, सावन सोमवार के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठना संभव नहीं है तो जब भी आप उठें, सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर तांबे के बर्तन में पानी लेकर छिड़काव करें। उसके बाद अपने पूरे घर को साफ सुथरा करें, फिर खुद स्नान करें। उसके बाद सबसे पहले आप सूर्य को अर्घ दें, फिर माँ तुलसी में जल चढ़ाएं। उसके बाद आप गणपति जी का पूजा करें, फिर अपने भोलेनाथ की आराधना करें। अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप शिवलिंग की पूजा करें, और अगर शिवलिंग नहीं है तो उनकी फ़ोटो या कोई विग्रह हो तो उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आप जल चढ़ाएं शिवलिंग पे या फोटो पे भी आप अपने हाथ से छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद पंचामृत चढ़ाएं। पंचामृत के बाद आप फिर से जल चढ़ाएं। उसके बाद सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल, आग का फूल होता है वो चढ़ाएं, बेलपत्र 3, 5, 9 ऐसे उसमें ओम नमः शिवाय लिख के चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, उसका फूल चढ़ाएं, थोड़ी सी आप सफ़ेद पेड़ा या कोई भी बर्फ़ी चढ़ाएं, फिर अगर संभव हो तो आप एक माला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करते हुए रुद्राक्ष की माला का जाप करें। अगर आपके पास माला नहीं है तो आप 21 बार 11 बार भी ओम नमः शिवाय का जाप करें। ध्यान रखें, भगवान को जो भी अर्पित करें उस समय आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। उसके बाद आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। शिव चालीसा के बाद लास्ट में आप आरती करें शिव जी का, फिर क्षमा याचना मांगें कि पूजा पाठ में हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिए। भगवान तो भाव के भूखे हैं दोस्तों, उन्हें आप एक लोटा जल भी चढ़ा देंगे तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अपने आराध्य को मनाने के लिए आपके पास जो भी संभव हो आप कीजिए। पूरे दिन आप फलाहार कीजिए। अगर आप शाम में अनाज खाते हैं तो सात्विक भोजन करें, लेकिन भोजन करने से पहले शाम में आप शिव जी की आरती करें। आरती करके उसके बाद आप भोजन प्राप्त करें या फलाहार करें। दूसरे दिन नहा धोकर आप फिर से सूर्य को अर्घ दें, माँ तुलसी में जल अर्पण करें, गणपति की पूजा करें और फिर से शिव की पूजा करें। पूजा करने के बाद लास्ट में उनसे क्षमा याचना मांगें और बोलें कि हे भगवान, पूजा पाठ में हमसे कोई भूल चूक हुई तो आप हमें माफ़ करें। मन में आपके लिए श्रद्धा है और उस श्रद्धा के मुताबिक मैंने आपकी पूजा की। फिर जो भी आपकी मनोकामना है आप भगवान शंकर को बोलें, वो आपकी सारी मनोकामना
पूर्ण करेंगे। दोस्तों, मंगलवार का दिन माँ पार्वती का दिन होता है, तो आप उस दिन माँ पार्वती की भी पूजा करें तो भोलेनाथ और माँ पार्वती दोनों की आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये रही हमारी छोटी सी जानकारी दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।